Hello friends, welcome to Yogic and Modern Science. After a very long time, we have come for doing this episode on Gita. So we will continue talking about various things on Gita. There are so many slokas in Gita. And today also we are taking up one very very important slok from chapter 2 and sloka 54 and 55. In these two slokas, Arjun raises a question to Lord Krishna. He says, what is the symptoms of a person who is in samadhi or who has obtained the experience of God or samadhi? Please tell me, he says to the Lord Krishna, please tell me what are the symptoms of this kind of person who is always in samadhi. Upon this question, Krishna responds to Arjun saying that in the time when the person renunciates all his or her desires, all kamanas, all desires, in that time he is called sthit pragya and he always remains in his atma. He lives in his atma by atma. He is atman himself. So this is how Krishna tells him that this is the main symptom of that person who always remains in samadhi. The symptom is he always remains in his atma, and this kind of person is called sthit pragya. Sthit pragya literally means the state of being which is before knowing something, before jnan, right? So this is called sthit pragya. Now I would like to discuss on these two slokas from yogic point of view, and I'll be discussing with Sharmaji what are the different other symptoms, okay, of this kind of person who is always in samadhi. Sharmaji, आज हम दो श्लोकों की बात करेंगे गीता के. ठीक. गीता का अध्याय दो, जिसमें श्लोक 54 और 55 है. श्लोक 54 में अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि जो समाधि को प्राप्त, समाधि में परमात्मा को प्राप्त हुए व्यक्ति के लक्षण क्या है, वो कैसे चलता है, कैसे बोलता है, क्या लक्षण है उसके. तो भगवान 55वें श्लोक में ये जवाब देते हैं कि जिस काल में व्यक्ति अपनी संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, उस समय वो आत्मा से आत्मा में ही स्थिर रहता है, आत्मा से आत्मा में ही रहता है, और ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है. तो ये लक्षण बताया भगवान श्री कृष्ण ने. मैं आपसे आज ये जानना चाहता हूँ कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के और समाधि में स्थित व्यक्ति के और कौन कौन से लक्षण हैं, और उसके पहले कि आप लक्षण बताएं, स्थित प्रज्ञ होता क्या है, और यहाँ पे समाधि से, क्योंकि समाधि शब्द का प्रयोग अर्जुन ने किया है, भगवान ने नहीं किया है समाधि शब्द का प्रयोग इस श्लोक में, तो अर्जुन के समाधि शब्द के प्रयोग से क्या मतलब है, उसका प्रयोजन क्या है समाधि का, और स्थित प्रज्ञ क्या है, और ऐसे व्यक्ति के और कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं. योगिक साइंस के आधार पर अगर हम देखें कि अर्जुन इस तरीके का कृष्ण भगवान से अगर वो श्लोक पूछ रहे हैं कि भाई इसमें लक्षण क्या हैं, तो लक्षण इसमें समाधि की बात करें तो अर्जुन यहाँ पे आत्म या समाधिस्थ नहीं है, ना तो वो समाधिस्थ हैं, ना वो आत्म प्रज्ञ हैं, और ना वो आत्म बोध में हैं. अर्जुन यहाँ पर किसी भी ऐसी स्थिति में नहीं है, मगर यहाँ जो कृष्ण भगवान उनको उपदेश दे रहे हैं वो अपने समाधिस्थ भी हैं, आत्म समाधिस्थ हैं और स्थित प्रज्ञ भी हैं. तो
यहाँ पर जो अर्जुन अर्जुन ने जो ये लक्षण पूछे हैं, तो लक्षण जो कृष्ण भगवान ने जहाँ उसमें बताए हैं कि वो इस लक्षण है, तो आगे श्लोक में बहुत सारे लक्षण बताए गए होंगे आगे, तो हाँ श्लोक में बहुत सारे लक्षण बताए गए होंगे। मगर यहाँ पर जो अनुभव वाला व्यक्ति है, अगर उससे आप बेसिक लक्षण आप जानेंगे, तो वो जो लक्षण मैं बताने वाला हूँ यही लक्षण वो व्यक्ति बताएगा। जैसे कि अगर समाधिस्थ का मतलब ये होता है कि किसी समाधि में जाकर के बैठा नहीं है और वो किसी समाधि को ग्रहण नहीं की करके रह रहा है, वो समाधिस्थ है, वो अपने आत्मा की समाधि, जहाँ आत्मा में आत्मा है, आत्मा के सामने आत्मा है, वो वहाँ समाधिस्थ है, मतलब कि वो अपने मूल में है। हाँ, वो अपने मूल में स्थित, प्रज्ञ में, अपने मूल में, अपने मूल में वो स्थित है, और वो स्थित है, वो उसे समाधि नाम ले लो या कोई भी चीज नाम एक दे दो, कोई भी शब्द एक दे दो समाधि, तो वो समाधि वहाँ पे वो वहाँ मतलब लीन है, वो लीन है। तो ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा जो प्राणी है, ऐसा जो अनुभव वाला व्यक्ति है, वो व्यक्ति का पहला लक्षण ये है कि वो इस संसार में, इस प्राकृतिक में जहाँ कहीं भी जिससे भी प्रेम करता है, चाहे वो समाज है, चाहे वो ये प्राकृतिक का कोई सिस्टम है, वो अगर ये किसी से प्रेम करता है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो अपने प्रेम को उजागर करके और फिर आपको बताए। तो वो पहला लक्षण उसका है कि जिससे वो प्रेम करता है तो वो उसके लिए कार्य करता है। तो कार्य जो कार्य करता है, जैसे कृष्ण भगवान जो है अर्जुन के लिए बचा, अर्जुन को जिंदा रखने की या बचाव में वो द्रौपदी को सजा करके भीष्म पितामह के कैंप में ले जा रहे हैं, उसके उनके वहाँ ले जा रहे हैं, तो वो कार्य कर रहे हैं, जबकि प्रेम अर्जुन से और पांडवों से कर रहे हैं, मगर द्रौपदी को तैयार करके ले जा रहे हैं, तो कार्य है, तो कार्य कर रहे हैं, प्रेम नहीं जता रहे वो। तो ये उसका समाधिस्थ में जो स्थित है उसके प्रेम करने का ये लक्षण है, पहला लक्षण उसका। अच्छा, इसका मतलब ये आप ये कह रहे हैं शर्मा जी कि जो समाधिस्थ व्यक्ति है वो ऐसा नहीं है कि कहीं चौकड़ी मार के शरीर को स्थिर करके बिल्कुल पत्थर बन के बैठा हुआ है, नहीं, ये इसका मतलब ये नहीं है। समाधि का मतलब ये है कि वो समाया हुआ है, वो मूल में स्थित है, मूल को छोड़ा नहीं है उसने, नहीं, और मूल को न छोड़ते हुए वो संसार के, प्रकृति के जितने भी कर्म हैं, ठीक है, जितने भी कर्म हैं, परमार्थ के कर्म सबको कर रहा है, परमार्थ कर्म सबको कर रहा है, वो करते हुए चल रहा है, ठीक है, बिना ये दिखाए कि मैं समाधिस्थ हूँ, मैं ये हूँ, हाँ, नहीं, ये ठीक है, ये जाहिर नहीं कर रहा है, नहीं, को जानता है वो कि मैं ना कि मैं जाहिर करूं, मैं जाहिर करूं, ये चीज़ नहीं करना चाहता। हाँ, ये नहीं चाहता, नहीं हो। हाँ, तो मैं इसलिए ये कर रहा हूं ताकि जो भी इसको देख रहे हैं वो ये ना समझे कि समाधि का मतलब कोई व्यक्ति अपने किसी चौकड़े मार के बैठा हुआ है और स्थिर है, बिल्कुल आंखें बंद करके चल रही है, सब कुछ बंद है, नहीं, वो समाधि की बात नहीं हो रही, एक तरीके से सहज समाधि की बात हो रही है, ये समाधि चलते फिरते समाधि, आत्म समाधि की बात, आत्म समाधि की बात, आत्म समाधि में, परमात्म समाधि में है वो इस वक्त स्थित जी। तो ये उसका पहला लक्षण है प्रेम। और दूसरा उसका एक लक्षण है कि वो एक समाज के लिए, एक समाज के हित में और प्रकृति के हित में हमेशा वो एक निर्णय लेता है और उसके लिए वो कार्य करता है, मगर ये बात वो बताता नहीं किसी को कि मैंने ये समाज के लिए किया या मैंने ये प्रकृति के लिए किया। चाहे वो अगर जिस तरीके से, मान लो अगर उदाहरण तौर मैं सड़क पे जा रहा हूँ, मुझे कोई एक बाइक वाला आके थप्पड़ मार दे, तो अगर मुझे ये अंदर से स्थित पता चल जाए, मुझे ज्ञान मिल जाए कि ये व्यक्ति ने पहले बहुत मारा, तो मैं उससे भिड़ जाऊंगा। और अगर उनमें मैंने ये पता चल जाए कि ये व्यक्ति तो स्वाभाविक ही ऐसा किया है, हालांकि इसका ऐसा नेचर नहीं है, तो मैं उसे बक्स करके छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं उससे विरोध नहीं करूँगा, इसलिए विरोध नहीं करूँगा क्योंकि मैं ये बात जानता हूँ कि इसने जो नेगेटिव किया है वो मेरा एक अंग है, नेगेटिव पॉजिटिव उस समाधिस्थ व्यक्ति के अंग हैं,
इसलिए वो उन्हें अंगों को दोनों जगह सुरक्षित रखता है। तो वो किसी से उसने विवाद ऐसा नहीं करता, मगर अगर उसको ये जाहिर हो जाए कि ये व्यक्ति भविष्य में ये समाज के लिए हानिकारक है या इस प्रकृति के लिए हानिकारक है, तो जैसे कृष्ण भगवान ने पूतना और अन्य निशाचरों का वध जिस तरीके से किया, तो वो इसी तरीके से वो वध करेगा, जबकि वो आत्मा में समाधित और प्रज्ञ है। वो जानता है इस बात के लिए, वो ये बात जानता है, तो उसके जानने के बाद में भी वो ये कार्य करेगा, क्योंकि ये समाज के लिए और प्रकृति के लिए हानिकारक है, इसलिए इसका हनन करो, इसे मारो, क्योंकि ये निष्पक्ष फैसला है, ये पक्ष वाला फैसला नहीं है। तो वो निष्पक्ष भाव में जो समाधिस्थ आत्मा में है, परमात्मा में समाधित है, उसका हमेशा एक ही निर्णय होगा जो निष्पक्ष होगा और परहित निर्णय होगा। ये उसका दूसरा आत्मा में जो स्थित है, परमात्मा में जो, ये उसका दूसरा लक्षण है। तीसरा उसका एक लक्षण है जो समाधिस्थ है, कि अगर वो ये बात नहीं जान रहा है कि कौन सा कर्म पाप में है और कौन सा कर्म पुण्य में है, धर्म में है, वो ये बात नहीं जानता, ये बात नहीं जानता। अगर जरूरत पड़ी तो वो किसी की हत्या करेगा, और अगर जरूरत पड़ी तो वो किसी को एक जीवन दान देने के लिए खड़ा रहेगा। तो ये दोनों काम भी कृष्ण भगवान ने किए हैं। तो अगर, और कृष्ण भगवान परमात्मा और आत्म में स्थित हैं, समाधिस्थ हैं, ये काम करते हैं, ये उनका तीसरा लक्षण है। तो जो ये तीसरा लक्षण इस तरीके का है, जो प्रकृति के लिए उन्होंने किया है, ये कृष्ण भगवान ने किया है। ये एक लक्षण जो समाधिस्थ आत्म परमात्मा में समाधित सड़क पे चलता हुआ आपको मिल जाएगा, हर द्वार में कहीं घूमता हुआ मिल जाएगा, कहीं भीख मांगता हुआ मिल जाएगा, कहीं एक घर चलाता हुआ मिल जाएगा, कहीं नौकरी करता, वो कोई भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो एक उसके तो दो कानों के ऊपर दो सींग होंगे और वो एक स्पेशल होगा, ऐसा स्पेशल नहीं होगा। लक्षण है उसके, ये लक्षण वो किसी को बताता नहीं है, ये कार्य के माध्यम से वो करता है। अगर आपकी हिम्मत है तो उसे पहचान लो, अगर आपको ये नॉलेज है, अनुभव है इस चीज का, तो पहचान लो, वरना आप भी अनुमान में हो और वो अनुभव में है, वो करते जा रहा है, अब वहाँ पर अपना अनुमान लगाओ कि इसने तो इसको मार दिया, ये काहे का भगवान और काहे का ये आत्म समाधिस्थ है, आप तो ये डिसीजन ले लोगे तो आप गलत हो जाओगे। इसलिए उसे इन लक्षणों से उसे पहचानना जरूरी है। तो ये जो तीन लक्षण मैंने आपको बताए, ये चीज़ें कृष्ण भगवान में दिखाती हैं, तो ये दिखती हैं, उनके प्रमाण भी हैं। वो व्यक्ति युद्ध में, युद्ध करने से बिल्कुल हिचकिचाता नहीं कि मैं यहाँ पर हत्याएं क्यों कर रहा हूँ, ये नहीं देख रहा है, ये चीज़ नहीं देखता। ऐसे ही वो व्यक्ति किसी भी जीवाणु कीटाणु को, हर चीज़ को वो आत्मा तो जानता है, और आत्मा में वो जो दूसरा लक्षण, जो चौथा आपको लक्षण बता रहा हूँ, ऐसा व्यक्ति जो सभी सर्वस्व आत्मा देखता है और फिर भी आत्मा के विरुद्ध जाता है, उन जीवों के विरुद्ध जाता है जिनमें वो आत्मा बस रही है, वो उनके विरुद्ध जा रहा है। तो जो विरुद्ध जा रहा है वो ये बात भी जानता है कि आत्मा से आत्मा काटी नहीं जाती है, मरती नहीं है, जीवित नहीं होती, ये समूह को हमने, जिस समूह को नष्ट किया, ये छिन्न भिन्न होता भी है और फिर ये क्रिएट होता है, ये बात वो जानता है, और जान करके इसलिए वो इससे बिल्कुल अलग रहता है, करता है, आपको करता हुआ दिखाई देगा, आपको फीलिंग दिखाई देगी उसकी। वो ऐसा व्यक्ति जो ये जो चौथा लक्षण है, पाँचवा उसका लक्षण है कि प्राकृतिक में वो व्यक्ति जो अपने आत्मा में समाधिस्थ है, ऐसा व्यक्ति प्राकृतिक के जहाँ जो उसकी अनुरूप, जहाँ उसकी जो डिमांड है, कि जहाँ पर रोने का समय है तो वहाँ पे आप बहुत बढ़िया रोएंगे। आप वहाँ पे ऐसे नहीं रोएंगे कि आपने ऊपर के आंसू दिखा दिए, फॉर्मेलिटी के नहीं रोएंगे, ऐसे प्यार आपने करे जो फॉर्मेलिटी के लिए प्यार, ऐसा नहीं करेगा।
वो व्यक्ति जो आत्मा में अपनी स्थित है और समाधिस्थ है, वो व्यक्ति उस परिस्थिति के लिए बिल्कुल ओरिजिनल होकर कैसा रहेगा, आप वो ऐसी स्थिति पेश करेगा कि आप उस पर शक करके उसको ये ना समझ पाओ कि ये व्यक्ति आत्मा में स्थित है। ऐसा समझने से आपको वो दुविधा में डाल देगा और वो व्यक्ति वैसा ही रहेगा, तो वो चाहे वो अपने गुरु के गुरु माता के लिए क्यों ना कृष्ण भगवान रोए हों, तो वो मतलब जो प्राकृतिक चाहती है वो वैसा ही करती है। उसके अगला लक्षण उसका ये है कि वो व्यक्ति ये बात जानता है कि ये प्राकृतिक बदलती है, प्रतिपल बदलती है और अपने आप ही वो अपने स्थित रहता है, अपनी आत्मा में और अपने समाधित रहता है और उसकी ऊर्जा से वो पूरी सृष्टि को अपने हिसाब से चलाता है, अपने हिसाब से घुमाता है, अपने हिसाब से बदलने का इंतजार करता है। तो ये चीज़ें जो लक्षण हैं ये मैंने आपको एक आत्म अनुभव के आधार पर बताई हैं। ये शास्त्र में वहाँ गीता में कैसी लिखी हैं मैंने अभी पढ़ी नहीं है, मैं अभी वो नहीं मैंने बताई हैं कि इसमें बुद्धि क्या है और इसमें ज्ञान क्या है, इसमें कर्म इंद्रिय क्या है, इनके ये लक्षण हैं, इनके वो लक्षण बहुत दूर हैं। ये तो जीवन में जो घटित घटनाएं हैं वो बताई गई हैं। ये तो इस तरीके की योगिक साइंस जो है इस तरीके से इस चीज़ को, इन श्लोकों के इन लक्षणों को इस तरीके से ये हमने जो बताया। मगर यदि हम ये कृष्ण भगवान के जीवन पे सोचें, हाँ, और जो उन्होंने कार्य किए, जिस तरीके से कार्य किए, ठीक है, तो ये लक्षण वहाँ पे दिखते हैं भगवान, उदाहरण पेश किए मैंने जी। आप तो आपने अपने अनुभव से बताया, मैंने अपने अनुभव से बताया, मगर ये सारे लक्षण भगवान श्री कृष्ण में दिखते हैं, वहाँ दिखते हैं, हाँ, वहाँ पे दिखते हैं, हाँ, कार्य करते हुए मालूम पड़ते हैं, मगर मेरे संग तो घटते हैं, आपके संग घटते हैं, तो मेरे संग घटना घटित होती है जी। तो मतलब कि वो कोई परिस्थिति हो, ठीक है, तो उस टाइप का व्यक्ति उस परिस्थिति के अनुसार काम करेगा ही करेगा, वो करेगा ही करेगा, के लिए करेगा ही करेगा, ही करेगा, और उसको आपके लिए पहचानना दुर्लभ हो जाए, मुश्किल हो जाएगा, हाँ, क्योंकि वो उसके उसका कोई विषय नहीं है, नहीं उसका आप पहचान नहीं पाएंगे, उसे पहचान नहीं पाएंगे, वो अलग से नहीं ना कोई काम कर रहा है, वो तो एक साधारण काम कर रहा है, मगर साधारण काम में उसकी पावर काम कर रही होती, उसकी उस व्यक्ति की पावर काम कर रही, केंद्रित पावर, केंद्रित ऊर्जा काम कर रही होती उसकी, वो चारों तरफ फैल रही होती ना, उसी के प्रभाव से होता, वो उसकी प्रभाव से सारा होता है। तो जैसे मैंने अभी दो मिनट अभी आपसे कोई अपनी पर्सनल बात शेयर करी थी, तो वो इस वक्त इस विषय से ऐसा ही होता है जीवन में जी। तो जीवन में ये लक्षण हैं और जो ये लक्षण हैं जो बताए गए ये समझना और जानना जरूरी है, बाकी तो गीता में सब पढ़ने को मिल जाते हैं जी। Friends, the main thing which Sarma ji has just said that samadhi does not mean one is just steeped in silence, he is just sitting, closing his eyes, nose, breathe, everything. No, the samadhist, the person who is samadhist, who is in samadhi, he is not separate from his original nature, from his mood. He is always there, established in the moon, and simultaneously he will be seen doing all kinds of work which is for others. He will not do anything for himself because he is already in his original nature. He does not require anything from this whole world, from this whole existence. Whatever he does, he will do for others. So I mean, he will not be actionless, without action. He will be doing all kinds of work and he will not let you know that he is the person who is in samadhi. He will not let you know that he loves somebody, he hates somebody. No, these kind of things will not be found in him. Okay, so these are some very important symptoms in a person who always remains in samadhi, and this samadhi is very spontaneous, which is also called in Hindu's scripture sahaj samadhi. He is always relaxed, very relaxed. He will do whatever is required according to the situation, according to the time, according to the place. So
Samadhi does not mean he will not do anything, but he will be just sitting and, you know, meditating, and he will just be without his breath. Okay, this is not the symptoms of the samadhist person. The symptoms is he is very spontaneous. He will be doing all kinds of work. Okay, of course, it will be a selfless work, because the person who is samadhist, who is in samadhi, he is basically selfless. There is no self at all, because he is in mool, he is in his original nature. And in the original nature, the three principles work. In his original work nature, there is no self, there is no I, there is no me, right? So there is no sense of anything, there is no experience at all. Okay, so based on his original nature, he works for others, so that there could be balance, or balance could be established in the whole nature, in the society, etc. Okay, so in order to balance everything, he works, he acts in the society. Hopefully you must have understood some more you know, symptoms of the person who is in samadhi. And there are so many other symptoms, okay, which are given in chapter 2, adhyaya 2 of Gita. So you can refer to those symptoms also. Okay, but these symptoms, which Sarmaji has just explained, okay, these symptoms are very, very practical. Okay, it is these symptoms are based on his experience. Okay, and these symptoms can be witnessed, can be seen in Krishna's life also. Krishna works selflessly for in many situations and for many persons. Okay, without showing to him or to her or to the person that he loves him or her. So without showing anything, he just works for others, for balancing different types of energies in nature and in society. Thank you very much.